आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, एक कैसा कर पाते हैं? देखिए, मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता हूँ जी, मैं सही डिसीजन लेता हूँ। कोई टफ ऑफ डिसीजन होता नहीं, सही होते हैं। किसी को टफ लगे, किसी को ना लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये सब कैसे होता है। जैसा अचरज आपको होता है, मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है। फिर मैं सोचता हूँ, नहीं, शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ है। मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है, और वो ईश्वरीय शक्ति ही ईश्वरीय प्रेरणा से मैं करता रहता हूँ। ये कोई परमात्मा की देन है, परमात्मा ने ही मुझसे कुछ काम लेना तय किया है, किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। और इसलिए मैं ये जो बाकी तूफान चल रहा है उससे बहुत परे रहता हूँ। लेकिन इस तूफान में शांत कैसे रहते वही मैं उससे परे हैं? रहता हूँ। मुझे मुझे शायद परमात्मा ने यही राह दिखाई है कि तुम उन चीज़ों में मत उलझो, तुझे कोई बड़ा काम करना है, तुम अपने काम में लगे रहो। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है, और शायद ये उसी का मैं एक निमित्त हूँ, कुछ नहीं।